जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वर्तमान समय से लेकर साल 2025 के 14 मई तक जिन तीन राशि के जातकों के 100% योग विवाह के बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी आपको गुरु राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। इसके अलावा उन राशि के जातकों के कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, किस महीने में शादी के योग बन सकते हैं, यह सभी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको उपाय भी बताऊंगा, तो आइए जानते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपको केवल यह जानकारी नहीं दी जाती है कि आपकी शादी अगले 3 महीने में 4 महीने में हो जाएगी, बल्कि आपकी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कि कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं और हमें किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से फोन कॉल के जरिए संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं आप टेलीग्राम ट्विटर इन सब चीजों पर भी आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक बनवाना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमें अपना सलाह अथवा परामर्श दे सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं उन जातकों को भी सलाह दूंगा जिनकी शादी के योग बन रहे हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। तो शादी न होने के कई कारण है, होने के एक ही कारण है कि आपकी जो है आपका सही समय चल रहा है इसके चलते, या आपकी शादी के योग हैं इसके चलते आपकी शादी के योग बन जाते हैं और आप परिणय सूत्र में बनते हैं। हालांकि अगर नहीं होती है तो इसके कई कारण, जैसे मैंने बताया ग्रह राशि और ग्रह दोष जो होता है उसके आधार पर आपकी कुंडली में जो है देर होती है शादी में, अन्यथा अगर सभी शुभ ग्रह का प्रभाव रहता है तो फिर आपकी शादी शीघ्र हो जाती है। तो वास्तु दोष का भी कहीं ना कहीं जो है इसमें भूमिका रहती है शादी में देर होने के, तो वास्तु दोष के बारे में ही बता देता हूं मैं। तो विवाह जीवन का सबसे अहम पल होता है, कई बार विवाह में अड़चने आती हैं, इसके कई कारण होते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, वास्तु दोष भी उन्हीं में से एक है। यदि इन वास्तु दोषों को दूर कर दिया जाए तो शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। तो अगर विवाह में व्यवधान आ रहा है तो विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की हो, उन्हें द्वार न दिखाई दे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो उस कमरे के दरवाजे के रंग लाल अथवा गुलाबी रखें। विवाह योग युवक और युवती के कक्ष में कोई खाली टंकी की बड़ा बर्तन बंद करके ना रखें, अगर कोई भी वस्तु है तो उसे हटा दें। विवाह योग लड़के और लड़की के जो है पलंग, जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे भी कोई सामान बिल्कुल ना रखें, इससे भी विवाह में बाधा आती है। वहीं घर के जो पलंग के ऊपर जो बेडशीट है वो पीले रंग का दे, तकिए का कवर भी पीले रंग का हो, तो फिर जो है विवाह के योग बनने लगते हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, इनकी पूजा से विवाह के कार्य में आ रही सभी अड़चने स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का दिन का विशेष महत्व है, आसान शब्दों में कहे तो गुरुवार का दिन समर्पित होता है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु समेत बृहस्पति देव की पूजा उपासना की जाती है। पीले रंग की वस्तुओं से इनके जो है पूजा पाठ की जाती है, हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि वस्तुओं से आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। वहीं इस दिन आप व्रत भी रख सकती हैं लड़कियां, अगर आप गुरुवार का व्रत रखती हैं तो खाने में आपको पीले रंग की चीजें जैसे चने की दाल, पीले फल, केले आदि खा सकती हैं। लेकिन अगर गुरु कमजोर है तो केले का सेवन ना करें, ना ही शयन कक्ष में केला रखें, तो इससे आपके जो विवाह में बाधा आती है। इसके अलावा गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें तो इससे जो है गुरु जो है प्रबल होता है, गुरु के प्रबल होने पर
लड़कियों के शादी के जो कारक गुरु माने जाते हैं उनके प्रबल होने पर शादी के योग बनने लगते हैं। तो गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में है, 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई तक मेष राशि में रहेंगे और फिर उसके बाद 1 मई को फिर ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर उसके पश्चात जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर कहे तो तीन राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग है 22 अप्रैल के पश्चात। तो आइए गुरु के बारे में बता देता हूं। तो गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक होता है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। यह धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं और कर्क इनकी उच्च राशि होती है, जबकि मकर इनकी नीच राशि मानी जाती है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा बरसती है उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर है तो उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वह भाव मजबूत हो जाता है। गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं और गुरु के मजबूत रहने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, करियर कारोबार में जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाती है। तो जुपिटर जो है वो मिथुन में जो है 14 मई 2025 को और वृषभ राशि में 1 मई 2024 को और मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को प्रवेश करेंगे। तो इस आधार पर मैं आपको साल 2025 तक जो है जिन तीन राशि के जातकों के 22 अप्रैल के पश्चात जो विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहली जो राशि है मेष राशि है। तो मेष राशि में गुरु का गोचर जो है वो 22 अप्रैल को होगा और 1 मई तक रहेगा। तो गुरु जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि के जातकों के लिए शुभ समय प्रारंभ होता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य देव जो है हनुमान जी है। इस राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है और विवाह जो है PRMN के जातकों में से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा हो सकती है। दूरी राशि पर निर्धारित की जाती है। तो आप जन्म कुंडली से यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपके जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है। वहीं बात करें महीने की तो जून महीने में और उसके बाद नवंबर और दिसंबर महीने में जो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप मेष राशि के जातक है तो शीघ्र विवाह के लिए जो है शुक्रवार के दिन शिव जी की पूजा सफेद फूल से करें तो आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। बात करें राशि की तो कुंभ, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों से विवाह करना मेष राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ कर होता है। अगली जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों का जो नाम अक्षर है वो BUV से होता है। इनके जो राशि स्वामी है वो शुक्र है, राधे देवी जो हैं वो माँ दुर्गा है। तो वृषभ राशि के जातकों के तीन चरणों में विवाह होते हैं जन्मदिन से। अगर आपको जन्म कुंडली ज्ञात नहीं है तो आप अगर वृषभ राशि के जातक है तो आपकी शादी जो है तीन चरणों में हो सकता है। पहले चरण यानी 23 वर्ष में, दूसरे चरण 28 वर्ष में और तीसरे चरण में 29 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। तो कई ऐसे जातक हैं वृषभ राशि के जिनके विवाह के योग अभी नहीं बने हैं और उनकी आयु 25-26 है तो 28वें वर्ष से योग बनेंगे। अगर 29 से अधिक है तो फिर आपके लिए योग है। महीने की बात करें तो साल 2024 में जनवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में जो है विवाह के आपके लिए योग बन रहा है। शीघ्र विवाह के लिए आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, इससे जो है आपके विवाह के योग अवश्य बनेंगे। वहीं बात करें किस राशि से करनी चाहिए तो मकर राशि के जातकों से विवाह करना वृषभ राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठकर होता है। बात करें नाम की तो THP नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और में से किसी एक नाम के जातक से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों का नाम अक्षर जो है क से होता है। इनके राशि स्वामी बुध है, राज्य देव जो है श्री गणेश जी है। इनका भाग्यशाली रंग हरा है, भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि धातु चांदी एवं सोना है। राशि स्वग्रथ पन्ना है। राशि स्वभाव जी स्वभाव है, राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रथ पन्ना, हीरा तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। राशि तत्व पृथ्वी है, राशि प्रकृति वायु है। शादी किस दिशा में हो सकती है तो ईशान कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग है, यानी उत्तर और पश्चिम दोनों ही दिशाओं में योग बन सकते हैं। ससुराल की दूरी कितनी हो सकती है तो यह जानकारी ग्रह जो है जीवन साथी के भाव में जिस राशि की उपस्थिति उसके आधार पर दी जाती है। तो आप जानकारी कुंडली बनाकर याद कर सकते हैं। बात करें नाम की तो PSV नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव आने के प्रबल योग हैं और इनमें से किसी एक जातक से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा STV नाम के जातक से भी आपके विवाह के योग हैं।
तो इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पर्णय सूत्र में बंध सकते हैं। बात करें राशि की तो कुंभ और सिंह राशि के जातकों से अगर विवाह करते हैं तो यह आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन तीन राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग जो है गुरु के राशि परिवर्तन से 22 अप्रैल से लेकर 14 मई 2025 तक जो है इनके विवाह के योग हैं और इस दौरान इन तीन राशि के जातकों के विवाह निश्चित ही हो जाएगी। तो अगर आप अपनी राशि अनुसार से यह जानकारी ज्ञात कर रहे हैं तो आपके लिए श्रेष्ठकर और फायदेमंद है। आप केपी की वाणी से अन्य ग्रह दशा की भी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आप में आपकी कुंडली में या आपकी राशि में कब शुक्र का या गुरु का गोचर होगा, दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। यह जानकारी आपको सूचना के आधार के लिए दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इसे मानने अपनाने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर ले, इसके पश्चात ही इसे माने। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्ले लिस्ट पर जाएं और अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।